सरहद पर तनाव के बीच भारत ने दोनों को राफेल का पराक्रम दिखाया है। राफेल ही नहीं, राजस्थान में भारत और फ्रांस के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप भी यही कहेंगे कि राफेल के पराक्रम के आगे चीन और पाकिस्तान में कहां है दम। के बाद एक चार रफेल विमान जोधपुर एयरबेस पर लैंड हुए फ्रांस के जिबूती से, और एक सुरक्षित तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आज तक पर। और अब अगले तीन दिनों तक यहां पर भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास होगा। राजस्थान में राफेल की गर्जना से कांप रहा है पाकिस्तान। भारत फ्रांस के साझा पराक्रम से खड़े हुए चीन के कान। जोधपुर में राफेल लड़ाकू विमानों के साथ शुरू हुआ भारत फ्रांस का पहला वॉर गेम। पिछले साल अगस्त में राफेल की ताकत से लैस होने के बाद भारत फ्रांस का बड़ा साझा युद्ध अभ्यास। पाकिस्तान की सीमा के करीब डेजर्ट नाइट ने उड़ाई चीन पाकिस्तान की नींव। आज तक आपको इस युद्ध अभ्यास की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहा है। फ्रांस और भारत की वायुसेना के बीच एक साझा अहम युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। इस वक्त आपको फॉरवर्ड एयरबेस जोधपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमान इस वक्त जोधपुर एयरबेस पर लैंड हुआ है। पहला विमान ये लैंड हुआ है। इस तरह से अभी चार और विमान जो रफाल लड़ाकू विमान वो लैंड होंगे, और अगले तीन दिनों तक यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच पहली साझा युद्ध अभ्यास होगा, जिसमें फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमानों के अलावा भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। और ये इस वक्त अहम मौका है, जब खासतौर से हाल के दिनों में इस भारतीय वायुसेना के बेड़े में 8 रफाल लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं। ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, तब उनकी हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। राफेल, सुखोई और मिराज विमानों के साथ जोधपुर में भारत फ्रांस के बीच लड़ाकू विमानों के साथ साझा युद्ध अभ्यास हो रहा है। ये दोनों दुश्मनों को बड़ी चेतावनी है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में रफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद ये पहला मौका है जब फ्रांस और भारतीय वायुसेना के बीच में साझा युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। इस वक्त हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फ्रांस के रफेल लड़ाकू विमान जोधपुर एयरबेस पर पहुंचे हैं, जहां पर अगले तीन दिनों तक डेजर्ट नाइट के नाम से दोनों देशों के बीच में जो साझा युद्ध अभ्यास होगा उसमें ये विमान हिस्सा लेंगे। बड़ा युद्ध अभ्यास इस वक्त, खासतौर से जब चीन सरहद पर लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, ऐसे में रफेल लड़ाकू विमानों का ये साझा युद्ध अभ्यास के कई मायने हैं। खासतौर से चीन के साथ तनाव के बाद भारत ने चीन सरहद पर सुखोई और रफेल दोनों लड़ाकू विमानों की तैनाती की थी। युद्ध अभ्यास के दौरान फ्रांसीसी राफेल विमानों को भारतीय राफेल विमानों के साथ उड़ते देखा जा सकता है। वहीं जोधपुर में तैनात सुखोई SU-30 MKI भी उड़ान भर रही है। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास के लिए UAE की जिबूती एयरबेस से फ्रांस के चार राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान जोधपुर पहुंचे हैं। जो फ्रांस का एयरबेस है, वहां से 4 घंटे की उड़ान के बाद आज यहां पर जोधपुर जो फॉरवर्ड एयरबेस है पाकिस्तान सरहद के नजदीक है, वहां पर लैंड हुए हैं। इस तरह से चार रफेल लड़ाकू विमान के अलावा मल्टी रोल टैंकर भी यहां पर फ्रांस की तरफ से आया है। जबकि भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो यहां पर सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी इस साझा युद्ध अभ्यास का हिस्सा है। डेजर्ट नाइट के नाम से इस युद्ध अभ्यास में अगले तीन दिनों तक दोनों जो वायुसेनाएं हैं वो आपस में युद्ध की रणनीति साझा करेंगी। युद्ध अभ्यास में फ्रांस की ओर से जहां करीब 175 वायु सैनिकों के साथ राफेल, एयरबस A330, मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, A400 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, वहीं भारत की ओर से राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, IL-78 फ्लाइट रिफिलिंग एयरक्राफ्ट, ओवॉक सहित अन्य विमान युद्ध अभ्यास में शामिल हैं। और
संदेश हम चाहें या ना चाहें बहुत साफ तौर पर चाइना और पाकिस्तान दोनों को जाता है कि हम अपनी लेटेस्ट वेपनरी और मशीनरी को लेकर बिल्कुल चाक चौबंद हैं किसी भी तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए। ये फ्रांस का मल्टी रोलर टैंक है जो डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के जिबूती से फ्रांस के 4 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ जोधपुर पहुंचा है। फ्रांस के विमान यूएई के एयरबेस पर तैनात थे, वहां से इन्होंने जोधपुर तक के लिए करीब 3,500 किलोमीटर का सफर तय किया। राफेल विमानों ने इतनी लंबी दूरी को महज 4 घंटे में तय किया, ये राफेल विमानों की ताकत को बताता है। पूर्वी लद्दाख में राफेल और SU-30 को चीनी वायुसेना के खिलाफ भारतीय वायुसेना द्वारा तैनात किया गया है जो भारत के करीबी ठिकानों से नियमित रूप से उड़ान भरते रहे हैं। राफेल विमान पिछले साल अगस्त के महीने में भारतीय सेना में शामिल किए गए थे। अभी तक 8 राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। फ्रांस के राफेल विमान भारतीय राफेल के साथ तालमेल बिठाने के साथ ही तरह तरह की कलाबाजियां दिखाने के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएई के नजदीक जिबूती से करीब 2,500 किलोमीटर की दूरी मात्र 4 घंटे में तय करने के बाद फ्रांस के 4 रफाल लड़ाकू विमान जोधपुर पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर पहुंचे हैं और इससे इनकी मारक क्षमता को समझा जा सकता है। इस वक्त जिस तरह से खासतौर से चीन और पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर तनाव है, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच ये साझा युद्धाभ्यास के कई मायने हैं। खासतौर से इस वक्त भारत ने चीन के खिलाफ सरहद पर सुखोई और रफाल दोनों ही लड़ाकू विमानों की तैनाती की है और इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में 8 रफाल लड़ाकू विमान शामिल हो चुके हैं। उनकी मारक क्षमता किसी से छुपी नहीं है, इस वक्त तो दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में आते हैं। और इस वक्त हम आपको आज तक पर जिस तरह से ये इस डेजर्ट नाइट जो साझा युद्धाभ्यास है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगले 3 दिनों तक यहाँ पर जोधपुर एयरबेस पर युद्धाभ्यास होगा। डेजर्ट नाइट के दौरान इन दोनों देशों के पायलट एक दूसरे के साथ तकनीकी समझ और युद्ध कौशल भी साझा कर पाएंगे। फ्रांसीसी पायलट लंबे समय से राफेल उड़ाते आए हैं, ऐसे में भारतीय वायुसेना में राफेल उड़ाने वाले पायलट को इससे काफी फायदा मिलेगा। जोधपुर में सर्दियों में भी मौसम ज्यादातर साफ रहता है, इसलिए जोधपुर एयरबेस को युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है। 6 साल पहले भी जोधपुर में राफेल गरजे थे। जोधपुर से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वी लद्दाख की नहीं पश्चिमी सीमा पर भी पाकिस्तान की हरकतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, वहीं चीन के साथ मिलकर उसका युद्धाभ्यास लगातार जारी है। जोधपुर में डेजर्ट नाइट से हिंदुस्तान ने चीन और पाकिस्तान को जवाब दिया है, बता दिया है कि हम तैयार हैं। भारत और फ्रांस का ये साझा युद्ध अभ्यास सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। कल ही पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2,750 किलोमीटर रेंज वाली एटमी मिसाइल से पाकिस्तान भारत ही नहीं इसराइल को निशाना लेने की खुशफहमी में है। लद्दाख में जहां चीन और भारत की सेना आमने सामने डटी है, वहीं पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत की पश्चिमी सीमा के उस पार युद्धाभ्यास कर चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की वायुसेना ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में साझा युद्ध अभ्यास किया था। 9 दिसंबर से शुरू हुआ युद्ध अभ्यास 24 दिसंबर तक जारी रहा। शाहीन नाम से शुरू हुए युद्ध अभ्यास की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इनमें पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमान पाकिस्तानी वायुसेना के गुलारी एयरबेस से उड़ान भरते दिख रहे हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के चीफ ने चीनी फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और चीनी पायलटों की तारीफ की। इस युद्ध अभ्यास के कुछ दिनों बाद 8 जनवरी को पाकिस्तान ने अपने ही देश में विकसित रॉकेट का परीक्षण किया। फतेह-1 नाम का ये रॉकेट 140 किलोमीटर तक मार कर सकता है। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने इसकी सफलता पर खुशी मनाई, लेकिन भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में हो रहे इस युद्ध अभ्यास ने उसके होश उड़ा दिए हैं। बुधवार को पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का परीक्षण कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान सरहद के नजदीक एक फॉरवर्ड एयरबेस जोधपुर पर भारतीय वायुसेना ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, जहां पर इस वक्त भारत और फ्रांस की वायुसेना रफाल लड़ाकू विमानों के साथ साझा युद्ध अभ्यास करने जा रही है।
पाकिस्तान ही नहीं भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच फ्रांस से मिले राफेल लड़ाकू विमानों से चीन की बोलती बंद हो गई है। भारत फ्रांस से कुल 36 विमान खरीद रहा है। इनमें से अब तक 8 राफेल विमान भारत को मिल चुके हैं। भारत को इस साल जनवरी 2021 में राफेल विमानों की तीसरी खेप भी मिलने वाली है। साल 2023 तक भारत को पूरे 36 राफेल मिल जाएंगे। इनमें से राफेल के 2 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे। अत्याधुनिक राफेल विमानों के 2 स्क्वाड्रन चीन पाकिस्तान दोनों पर भारी पड़ेंगे। वहीं जोधपुर में 3 दिनों के इस युद्ध अभ्यास में अत्याधुनिक और मारक क्षमता में बेजोड़ लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कर भारत ने एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान दोनों को सावधान कर दिया है। चीनी का कोई भी जहाज ले लीजिए, 2 बार उड़ान भरता है और तीसरी बार में खराब हो जाता है। ये पूरा सारी दुनिया जानती है। इसी वजह से चीनी जहाजों का एक ही मार्केट है, वो है पाकिस्तान या अन्य छोटे मोटे कंट्रीज। इनके अलावा कहीं और इनकी चीज बिकती नहीं है, इनके अलावा इनकी कहीं चलती भी नहीं है। तो मैं पाकिस्तान और चीन के बीच का एक्सरसाइज को एक मेंटेनेंस एक्सरसाइज के अलावा और कुछ नहीं मानता हूँ। राफेल की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान और चीन पर ये कितना भारी पड़ सकता है, इसकी तस्दीक भारतीय वायुसेना के दिग्गज भी कर चुके हैं। दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे पास 36 राफेल आने वाले हैं, हमारे पास Su-30 काफी है, और जब Su-30 को राफेल के साथ मिल के एक पैकेज में यूज किया जाए, इसकी इम्प्लॉयमेंट फिलोसफी अकॉर्डिंगली बनाई जाए, तो ये एक बहुत ही पोटेंट फोर्स हो सकती है। Rafale is the game changer that you can say it is a half a generation or something ahead of what both sides have got. भारत में पहली खेप में आए राफेल विमानों को अंबाला में तैनात किया गया है। यहां से चीन और पाकिस्तान दोनों पर नकेल कसी जा सकती है। पहला स्क्वाड्रन जहां अंबाला में होगा, वहीं दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात किया जाएगा। यहां तैनात राफेल चीन की किसी भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाक में राफेल विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। इन्हें अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है। चीन के साथ जारी सीमा तनाव के बीच ये विमान किसी भी आपात स्थिति में दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए हमेशा तैयार है। जोधपुर से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो रेगिस्तान में राफेल के साथ युद्धाभ्यास में आज सीरियस बिपिन रावत भी शामिल हुए। बिपिन रावत ने राफेल विमानों में उड़ान भरी और उनसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल में उड़ान भर चुके हैं। वहीं चीफ मार्शल RKS भदौरिया खुद राफेल उड़ा चुके हैं। रेगिस्तान राफेल की गर्जना से गूंज रहा है, इस गूंज से नापाक पड़ोसी कांप रहा है। राफेल की ताकत बेमिसाल है। अक्टूबर 2019 में राजनाथ सिंह फ्रांस पहुंचे थे, जहां पहला राफेल विमान आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया था। 8 अक्टूबर 2019 को जब राफेल सौंपा गया, तब बेहद खास दिन था। इस दिन भारतीय वायुसेना की 27वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल में उड़ान भरी थी। पूरी तैयारी के साथ राजनाथ सिंह राफेल में सवार हुए और आत्मविश्वास के साथ उसमें उड़ान भरी। इस दौरान फ्रेंच पायलट ने राफेल विमान को उड़ाया था। राजनाथ सिंह से पहले भारतीय वायुसेना के तत्कालीन वाइस चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया ने राफेल विमान में उड़ान भरी थी। जुलाई 2019 में भारत फ्रांस वायुसेना के युद्धाभ्यास गरुड़ के दौरान उन्होंने खुद राफेल विमान को उड़ाया था। राफेल की तुलना पाकिस्तान के JF-17 और चीन के J-20 से की जाती है। JF-17 जहां 4th जनरेशन का विमान है, वहीं राफेल 4.5 जनरल ओमनी रोल फाइटर है। इसकी वजह से ये एक बार उड़ान भरने पर 4-4 मिशन को अंजाम दे सकता है। वहीं चीन का दावा है कि उसका J-20 पांचवें जनरेशन का विमान है। हालांकि जानकारों का दावा है कि अपने विमान को लेकर चीन झूठ बोल रहा है। उनके मुताबिक अगर उसका विमान इतना अच्छा है, तो फिर वो रूस से Sukhoi-35 क्यों खरीदता है? ऐसे में चीन और पाकिस्तान के पास राफेल से टक्कर लेने का दम नहीं है। जोधपुर में मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।